नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होने वाले मैच के बारे में। या दोस्तों, जानेंगे पॉसिबल प्लेइंग 11, कुछ इंटरेस्टिंग स्टेट्स और ड्रीम टीम के बारे में, जिस कारण अगर आप कोई भी फैंटेसी गेम खेले तो उसमें भी आपको मदद मिले। तो जल्दी से कर दीजिए दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब और देखते रहिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी चल रहा है आईपीएल का दूसरा लेग और फिलहाल सभी टीमों के बीच रेस चल रही है प्लेऑफ में पहुंचने की। और इसमें भी दोस्तों आप मान के चलो कि चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स तो पहुंच ही चुकी है प्लेऑफ्स में, यानी अब लड़ाई है बचे हुए दो स्थानों के लिए। और इसमें भी दोस्तों आरसीबी का एक पाव तो पहुंच ही चुका है प्लेऑफ्स में। तो आज देखना होगा दोस्तों कि क्या बचा हुआ एक पाव राजस्थान थाम पाती है या नहीं। और दोस्तों बात राजस्थान रॉयल्स की करें तो उसके लिए तो आज का मैच जीतना बहुत ही जरूरी है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो आप मान लीजिए कि उसके प्लेऑफ में पहुंचने के चांस 50% तक कम हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं आज के रॉयल मुकाबले का प्रीव्यू, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वेन्यू और मैच टाइमिंग के बारे में। तो दोस्तों ये मैच खेला जाएगा दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और मैच टाइमिंग की बात करें तो लोकल टाइम के मुताबिक मैच शुरू होगा शाम 6 बजे से, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक मैच शुरू होगा शाम 7:30 बजे से। अब बात करते हैं दोस्तों आंकड़ों के बारे में, जिसमें पिछले साल के आईपीएल को भी मिला दे तो दुबई में पहली इनिंग का एवरेज स्कोर रहता है 170 रनों के करीब, वही दूसरी इनिंग का एवरेज स्कोर होता है 150 रनों के करीब। और दोस्तों मैच में एवरेज 12 विकेट गिरते हैं, जिसमें से तेज गेंदबाजों को मिलते हैं 8 और स्पिनर्स को मिलते हैं 4 विकेट्स। अब बात करते हैं दोस्तों टॉस के बारे में, तो दुबई में अब तक कुल मिलाकर 31 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 17 मैच पहले बैटिंग कर रही टीम ने जीते और 11 मैच पहले गेंदबाजी कर रही टीम ने। और दोस्तों बचे हुए 3 मैच रहे थे टाई। तो अगर इसे देखा जाए तो ज्यादा चांसेस है कि आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस की। तो दोस्तों दोनों ही टीम एक दूसरे के खिलाफ 24 मैचेस खेली है, जिसमें से राजस्थान की टीम 10 मैचेस जीती है तो वही बेंगलोर की टीम 11 मैचेस जीतने में कामयाब रही है। और दोस्तों यूएई में दोनों ही टीम पिछले साल 2 मैचेस खेली थी, जिसमें से दोनों ही मैच बेंगलोर की टीम ने जीत लिए थे। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के पिछले साल दुबई में रहे प्रदर्शन के बारे में। तो आरआर ने कुल मिलाकर यहाँ 6 मैचेस खेले थे, जिसमें से 1 मैच उसने जीता था तो 5 मुकाबलों में उसको हार का सामना करना पड़ा था। वही दोस्तों बात बेंगलोर की करें तो उसने दुबई में पिछले साल 7 मैचेस खेले थे, जिसमें से 4 उसने जीते थे तो वही 3 मैचों में टीम हारी थी। तो दोस्तों आंकड़ों को देखा जाए तो फिलहाल थोड़ा बहुत एडवांटेज आरसीबी के पास जरूर है, लेकिन वही दोस्तों राजस्थान रॉयल आज का मैच हारना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो यशस्वी जायसवाल, इवन लुइस, संजू सैमसन और लियाम लिविंगस्टन की जगह दोस्तों आज शायद ग्लेन फिलिप्स को टीम में मौका मिल सकता है। फिर महिपाल लोमरोर, रियान पराग, राहुल तेवटिया, क्रिस मॉरिस, चेतन साकरिया, मुस्तफिजुर रहमान और कार्तिक त्यागी। या दोस्तों अगर वो रिकवर हो गए तो आज डेफिनेटली वो खेलेंगे। तो इस प्रकार की हो सकती है दोस्तों राजस्थान की आज की प्लेइंग 11। अब बात करते हैं दोस्तों आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो विराट कोहली, देवदत्त पाडिकल, श्रीकर भरत, ग्लेन मैक्सवेल, एबीडी विलियर्स, शाहबाज अहमद, डेनियल क्रिश्चियन, काइल जेमिनसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल। इस प्रकार की हो सकती है दोस्तों आज आरसीबी की प्लेइंग 11। और अब अंत में बात करते हैं दोस्तों आज के मैच की ड्रीम टीम की। तो दोस्तों आज के मैच में खेलने वाले 22 प्लेयरों में से इन 11 प्लेयरों का प्रदर्शन हमारे हिसाब से अच्छा हो सकता है, लेकिन इस पर आपका क्या मानना है तुरंत ही बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।
तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब जल्दी से इसे कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।